इन 12 इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन में हो सकता है खतरा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और इससे जुड़े खतरे हर कुछ दिनों में सुर्खियों में आ ही जाते हैं। गूगल और इंटरनेट के कई एक्सपर्ट हमेशा लोगों से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सुरक्षित रहें, पर फिर भी लोग फ्री एप्लीकेशन की चक्कर में किसी भी अनजान लिंक और वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। ताज़ा खबरों के अनुसार Android.Banker A9480 नाम की ट्रोजन वायरस ने कुल 232 बैंकिंग ऐप को प्रभावित किया है। इस वायरस को यूजर की निजी जानकारियां चुराने के लिए बनाया गया है। क्विक ही लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस असुरक्षित वेबसाइट से फेक फ्लैश प्लेयर ऐप को डाउनलोड करने से आता है। इंस्टॉल होने के बाद यह ऐप बार बार एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मांगकर यूजर को परेशान कर देता है और जैसे ही इसे परमिशन मिलती है यह ऐप हिडन हो जाता है। क्विक हील लैब के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वायरस से फिलहाल एक्सिस मोबाइल, HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग, SBI एनीवेयर पर्सनल, HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग लाइट, ICICI बैंक आई मोबाइल, IDBI बैंक गो मोबाइल, IDBI अभय, IDBI गो मोबाइल, IDBI बैंक एम पासबुक, बड़ौदा एम पासबुक, यूनियन बैंक मोबाइल बैंकिंग और यूनियन बैंक कमर्शियल क्लाइंट एप्लीकेशन प्रभावित हैं। इनमें से कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन की मौजूदगी में Android.Banker A9480 वायरस फेक लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले करता है और जब यूजर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो बैकग्राउंड में यह वायरस उसे अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है। इसके साथ यह वायरस फोन में आने वाले SMS और कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी नजर रखता है। अतः हमारी सलाह है कि अगर आप इनमें से कोई बैंकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर चेक कर ले कि कहीं यह वायरस आपके स्मार्टफोन में तो नहीं।